इंडिया का एक ऐसा जवान जिसने न सिर्फ देश के लिए 9 बुलेट्स खाई थी बल्कि जंग में अपने दोनों पैर खोने के बाद उसने बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस और तो और फ्री स्टाइल स्विमिंग में भी देश का नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ रियल लाइफ के चंदू चैंपियन यानी के रियल लाइफ के मुरलीकांत पेटकर की। लड़ाई में मुझे 9 गोली लगा। मैंने 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया था। तो आइए जानते हैं देश की उस जान मुरलीकांत पेटकर के बारे में जिसने भले ही जंग में गोली खाने के बाद अपने चलने की शक्ति खो दी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और पूरे देश में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो मुरलीकांत पेटकर की कहानी की शुरुआत होती है 1 नवंबर 1944 महाराष्ट्र के इस्लामपुर गांव में जहां उनके पिता एक टेलर का काम करते थे। मुरलीकांत पेटकर की परवरिश जिस रीजन में हुई थी उस पूरे रीजन में ही लोगों को कुश्ती और दंगल का काफी शौक था इसलिए उनके घर के पास काफी अखाड़े हुआ करते थे और बचपन से ही उनका खेल कूद में इंटरेस्ट होने की वजह से वो अक्सर स्कूल से भागकर इन अखाड़ों में जाया करते थे जहां देखते ही देखते उनका इंटरेस्ट कुश्ती की तरफ बढ़ने लगा और कुछ समय में ही उन्होंने स्पोर्ट्स में महारत भी हासिल कर ली। लेकिन मुरलीकांत की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 12 साल के मुरली अपने गाँव के मुखिया के बेटे को न सिर्फ कुश्ती के लिए चैलेंज कर देते हैं बल्कि उन्हें इस मैच में हरा भी देते हैं। लेकिन शायद ही मुरली को यह पता था कि इस मैच के बाद गांव के सभी लोग सिर्फ इसलिए उनके जान के दुश्मन बन जाएंगे क्योंकि उन्होंने मुखिया के बेटे को दंगल में हरा दिया था जिसके बाद मजबूरी में आकर मुरलीकांत को अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है और वो पुणे आ जाते हैं और वहां पर काफी परेशानियां उठाने के बाद उनका सिलेक्शन फाइनली जाकर इंडियन आर्मी की बॉयज बटालियन में होता है जहां जाकर ही मुरलीकांत अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं जिसमें से बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें मुरलीकांत पेटकर ने काफी नाम कमाया था। इसी वजह से उन्होंने इंडियन आर्मी की कई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया और साल 1964 में फाइनली जाकर उन्होंने मिलिट्री की इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया जहां पर वो मुरलीकांत पेटकर जिनको एक टाइम पर एयरप्लेन तक में बैठने से डर लगता था आज उसी मुरलीकांत ने टोक्यो में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था जिसके बाद उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और एक से बढ़कर एक चैंपियनशिप में पार्ट लेकर भारत का नाम रोशन किया जिसके बाद साल 1965 मुरलीकांत की जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट साबित होता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ जाती है। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. इस वजह से मुरलीकांत जिस गुरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे उनकी बटालियन को कश्मीर में बॉर्डर के पास जाने का ऑर्डर मिलता है और उनका पूरा ट्रूप कश्मीर शिफ्ट हो जाता है जहां एक दिन जब मुरलीकांत बिना हथियार के ही चाय पीने के लिए बाहर निकले थे अचानक से अलर्ट सायरन सुनते ही वो वापस अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप ने अचानक से ही उनकी बटालियन पर अटैक कर दिया था लेकिन वक्त शायद उनका साथ नहीं देता और इस अटैक के दौरान उनको न सिर्फ 9 गोलियां लगती हैं बल्कि एक आर्मी व्हीकल तक उनके ऊपर चढ़ जाता है जिसमें से एक गोली आज भी उनके स्पाइन में मौजूद है। इस अटैक के बाद मुरलीकांत इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे कि उनकी दोनों टांग डैमेज होने के साथ साथ कुछ टाइम के लिए उनकी याददाश्त तक चली गई। हालांकि मुरलीकांत अपनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बाद भी हार नहीं मानते क्योंकि वो एक फौजी होने के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी थे। इस वजह से वो अपने चलने की शक्ति खोने के बाद भी बस एक जगह तमाशा नहीं देख सकते थे। पर मुरलीकांत को इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उनके घर वाले जो उनसे हॉस्पिटल मिलने आए थे उन्होंने मुरली को घर ले जाने से ही इसलिए मना कर दिया क्योंकि अब वो चल नहीं सकते और उन्हें हमेशा के लिए घर वालों पर एक बोझ बनकर ही रहना पड़ेगा जिसकी वजह से निराश होकर मुरलीकांत पेटकर ने सुसाइड करने तक की कोशिश करी। लेकिन फिर एक बात उनके दिमाग में स्ट्राइक करती है कि 9 गोलियां खाने और पूरी गाड़ी चलने के बाद भी वो फिर भी बच गए तो शायद अभी भी उनकी लाइफ में जीने का कोई और मकसद जरूर होगा। जिसके बाद मुरलीकांत पेटकर के एक स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें इनकरेज किया कि उन्हें स्विमिंग करनी चाहिए जिसमें शायद उनके पैरों की रिकवरी जल्दी हो सके।
इसी वजह से सिर्फ अपने रिकवरी बूस्ट करने के लिए उन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। और क्योंकि मुरलीकांत पेटकर एक स्पोर्ट्समैन थे, इसलिए कुछ टाइम के अंदर ही मुरलीकांत ने स्विमिंग में भी महारत हासिल कर ली। इसी वजह से उन्होंने स्विमिंग को भी और सीरियसली लेना शुरू किया और वो उससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगे। और जिसके बाद साल 1967 में मुरलीकांत ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब मुरलीकांत का मनोबल काफी बढ़ चुका था। जिसके बाद उन्होंने कई और कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें भी वो जीतते चले गए। आप लोगों को ये बता दें कि जिस कॉम्पिटिशन में मुरलीकांत पार्टिसिपेट कर रहे थे वो असल में कोई नॉर्मल कॉम्पिटिशन नहीं था, बल्कि ये एक तरह के स्पेशल पैरालंपिक गेम्स होते हैं जिसमें सिर्फ डिसेबल लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इन पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत असल में वर्ल्ड वॉर टू में घायल हुए ब्रिटिशर्स के एक छोटे से ग्रुप की तरह ही हुई थी और तब से ही पैरालंपिक गेम्स भी उसी तरह साइड बाय साइड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिस तरह ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इसी की तरह का एक डेफ ओलंपिक इवेंट है जो इससे भी कहीं पुराना है और साल 1984 से चला आ रहा है जिसमें सिर्फ डेफ एथलीट ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फाइनली जाकर साल 1972 में मुरलीकांत 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में देश के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीत कर न सिर्फ देश का नाम रोशन करते हैं बल्कि सिर्फ 37.33 सेकंड में 50 मीटर स्विमिंग करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट करते हैं। अपने पूरे स्पोर्ट्स करियर में मुरलीकांत पेटकर ने इंटरनेशनल इवेंट्स में 12 गोल्ड मेडल्स, नेशनल लेवल में 34 गोल्ड्स और स्टेट लेवल में 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। और स्पोर्ट्स में अपने इतने बड़े योगदान के लिए ही साल 2008 में मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आप लोगों ने सबने पद्मश्री सुना है लेकिन आपने देखा नहीं, इसके लिए मैं आपको पद्मश्री देगा पद्मश्री, जिसकी वजह से ही भारत के इस वीर जवान की स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए साजिद नाडियावाला और कबीर खान ने मिलकर मुरलीकांत पेटकर के ऊपर एक बायोपिक चंदू चैंपियन बनाई है जिसके लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन देखेंगे। तो अब बस आपको ये देखना है कि ये रियल लाइफ के चंदू चैंपियन रियल लाइफ के मुरलीकांत पेटकर को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं। हालांकि ट्रेलर देखते हुए ये मूवी काफी एक्शन पैक दिख रही है। ओलंपिक जाना है ना तो तेन तो फौज ही होना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो ना, मैं पहलवान है दारा सिंह के, उनका चेला है मैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।